One more botaya. Yeah. Man, I'm talking today. But all in them sound. So, one for me, please. Thank you. So, ma'am, I hope this. Do you mean me? Yeah, I'm here. Take every decision in my life, but I do believe in Ma very much. And this show came to us during Navratri. It was very surreal for me because I never fast. I can't fast for 9 days, but somehow 2 days before Navratri, I just got a feeling that I want to fast in this Navratri and keep a Mata ki chauk. And I fasted, and the very first day of Navratri, we got a call for the show. And when I heard the name of the show, I somehow said that we have to do it because there is some connection. I am fasting and the show has come. And during Navratri only, which is a very old concept, but a lot of people do believe in it still. आज भी हम जब वो सॉन्ग सुनते हैं संतोषी माँ का तो एक एक माइंड ब्लोइंग कनेक्शन फॉर्म हो जाता है. सो ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे हम साथ में एज हस्बैंड वाइफ प्ले करें वो समथिंग यूनिक फॉर अस. Real amount of materialistic success or achievement or whatever you call it, everything is aside, and having them in my life is aside. Nothing can compare to that. इसमें मैं संतोषी माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ और इनकी पत्नी हूँ real life में भी और इस serial में भी. और वो किस तरह से वो भक्त किस हद तक भक्त है वो आपको शो में ही पता चलेगा. संतोषी माता की स्टोरी कोई ऐसा तो है कि कोई जानता नहीं है, बहुत कुछ हो चुका है. तो उसमें जो मेन तीन चार कैरेक्टर्स हैं उसमें मेन लीड जो है नहीं, as we said, we are a part of this show in a special way. We are doing a special appearance. We start the show starts with us. उसके आगे how it moves on, it just taken forward and carried forward by these other brilliant actors. But we are just starting the show and we are a part of it in a very special way, which you will get to see when you see. So, आप story का हिस्सा नहीं हैं? बिल्कुल हिस्सा है, बिल्कुल है. But हमारा special appearance है, that's what. Story का हिस्सा तो है, story की शुरुआत ही हमसे होती है, as a couple, as husband wife, and शायद ये बोलना सही होगा कि हम इस story को शुरुआत करने की as characters बीज डाल के जाते हैं. और ये भी कह सकते हैं कि जो माता की भक्ति का बीज आपको दिख रहा है संतोषी में, जो रत्न जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वो बीज डालने वाले हम ही हैं. अच्छा जो ये भी आपको पता होगा कि हमारे देवी देवताओं ने रिसर्च किया है कि संतोषी माँ कोई कैरेक्टर ही नहीं है, मतलब काल्पनिक देवी है. लेकिन ये सब जो बनाया है वो किसी वजह से बनाया है, किसी कारण से बनाया है. मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर. सिर्फ एक अपना विश्वास होता है. सच तो ये है कि एक सुप्रीम पावर है, एक ऑलमाइटी है जिन्होंने ये दुनिया बनाई है, जो चला रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं दिन रात. अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन के लोग उन्हें अलग अलग नाम देते हैं. किसी के लिए वो अल्लाह है, किसी के लिए ईश्वर, किसी के लिए जीसस. तो ये अलग अलग मान लेने से सच में उनके उतने फॉर्म्स नहीं हो जाते. है एक फॉर्म, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए, अपनी फीलिंग उन तक पहुंचाने के लिए हम एक अपने मन का फॉर्म मान लेते हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हम जब भी पूजा करते हैं तो करते हैं. तो आई थिंक है भले ही काल्पनिक, लेकिन उसमें शक्ति इतनी होती है क्योंकि आपका विश्वास होता है उसमें. जिस चीज में विश्वास है फिर वो कल्पना भी सच करने लगती है. मैंने जैसे कहा, मैं सच में देवी माँ को बहुत मानती हूँ. और ऑनेस्टली मैं वैसी रिलीजियस नहीं हूँ जो हर दिन पूजा करती हो, जो हर दिन मंदिर जाती हो, लेकिन मैं ईश्वर में मानती हूँ. मैं ये नहीं कहती कि कोई शक्ति नहीं है, कोई पावर नहीं है.
लेकिन पता नहीं माँ को लेकर मेरे अंदर एक बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही डीप फीलिंग और कनेक्शन पिछले कुछ 4-5 सालों से बड़ा है. मेरी माँ बहुत मानती है माँ को और वो हर चीज में हर कठिनाई में माँ को याद करती है. और पता नहीं क्यों शायद माँ बनने के बाद मेरे अंदर वो फीलिंग अपने आप आई. मेरे मुंह से हर मुश्किल में जय माता दी ही निकलता है. और ये आज मैं ये शो कर रही हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, ये मैं अपने दिल पे हाथ रख के कह सकती हूँ. इस बात को ये बोल सकते हैं कि मैं सच कह रही हूँ, एक तो मैं झूठ कहती ही नहीं हूँ, मुझे नफरत है उससे. लेकिन जो मैं ये बता रही हूँ वो सच है कि पता नहीं क्यों माँ को लेके कहीं कोई एक कनेक्शन और एक विश्वास मेरा बढ़ता जा रहा है. और ये भी अपने आप में जैसा मैंने कहा कि इतना सरल है कि क्यों मुझे वो कॉलिंग फील हुई कि मैं व्रत करूं, मैं चौकी रखूं. मैंने कभी लाइफ में चौकी नहीं रखी मगर पिछले 2 साल से मैं चौकी कर रही हूं. तो कहीं और जब माँ की भक्त की चौकी होती है, जब माँ की मूर्ति सामने आती है, मुझे आंसू आ जाते हैं, मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. तो इससे विश्वास की बात है. पहले ऐसा नहीं था. शायद उन्होंने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी की, मुझे बेटी चाहिए थी और मुझे बेटी भी. शायद उस वजह से मैं इतनी ज्यादा नतमस्तक हूँ उनके सामने कि मेरा विश्वास इतना बढ़ गया. Can you tell us a little bit about your shoot in MP? I think हमने शुरुआत भी MP में की थी for the entire shoot. So something about your experience shooting over there and also you shot with a छोटी संतोषी. मध्य प्रदेश में शूट करके बहुत अच्छा लगा. पहले ये बताएंगे इन्हें कैसा लगा क्योंकि मेरी थोड़ी कहानी लंबी चल जाती है. फिर इन्हें बोलने के लिए कुछ छोड़ती नहीं हूँ मैं. मेरे लिए टू स्टार्ट विद फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें, डायरेक्टर पवन एक्सेलेंट, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ग्रेट. एक्सपीरियंस ऑफ शूटिंग इन भोपाल वॉज समथिंग वेरी न्यू फॉर मी. मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था. शहर, वहाँ का खाना, वहाँ के लोग, वहाँ का उनका बोलचाल, उनका लहजा, एवरीथिंग वाज न्यू फॉर मी बिकॉज मैं कभी गया नहीं. बट इनका वहाँ से कनेक्शन रहा है. मुझे वहाँ का खाना बहुत अच्छा, अमेजिंग खाना. मेरा कनेक्शन है, एक तो मैं, मेरी पैदाइश ही एमपी की है. मैं उज्जैन में पैदा हुई हूँ तो मध्य प्रदेश मतलब मेरा घर है. राजस्थान मेरा घर है क्योंकि वहाँ मैं पली बड़ी हूँ और मध्य प्रदेश क्योंकि वहाँ पैदा हुई. भोपाल से मेरा बहुत ही अच्छा कनेक्शन ये है कि भोपाल में मैंने शाहीन जो सीरियल मैंने बहुत पहले किया था, जो मेरा पहला मेन लीड था सोनी पर, उसकी पूरी शूट भोपाल में ही हुई थी. एंड इट टर्न आउट टू बी अ वेरी सक्सेसफुल शो. तो जब हम इस शूट के लिए भोपाल जा रहे थे तो मैं यही सोच के खुश हो रही थी कि ये शो भी बहुत अच्छा होगा और बहुत पॉपुलर होगा बिकॉज मेरे लिए भोपाल में शूट करना बहुत अच्छा और बहुत लकी रहा है. और बहुत अच्छी यादें थी जो सब ताज़ा हुई दोबारा शूट करके. एंड एज ही मेंशन हमारे डायरेक्टर पवन हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब. मैंने उनके शूट किए कुछ शॉट्स देखे. एक मेले का बहुत अच्छा सीक्वेंस है. जब मैंने वो शॉट्स देखे आई वॉज स्पेल बाउंड. आई सेड इतना खूबसूरत लग रहा है वो स्क्रीन पे देखने में कि मैं देखना चाहती हूँ कि एपिसोड कैसा लगेगा. ही हैज टेकन सम ब्रिलियंट शॉट्स एंड ही इज वेरी गुड एज अ डायरेक्टर. एंड आई रियली वॉन्ट टू मैंशन द प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो, रश्मि शर्मा. मैं इतने लंबे ब्रेक के बाद वापस काम कर रही थी क्योंकि ऑब्वियसली मैंने एक बहुत लंबा मैटरनिटी ब्रेक लिया था जो खत्म ही नहीं हो रहा था. मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उसे खत्म करने का. पर ये क्योंकि एक बहुत स्पेशल शो था तो मैंने सोचा इससे ज्यादा खूबसूरत शुरुआत नहीं हो सकती वापस काम करने की. एंड मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि मैंने बहुत बातें सुनी थी कि टीवी बहुत बदल गया है, लोग बहुत बदल गए हैं, ट्रीटमेंट बदल गया है, ये वो. तो मुझे लगा पता नहीं मैं एडजस्ट कर पाऊंगी कि नहीं. लेकिन जब मैं वहां गई आई वॉज सो प्लेजेंटली सरप्राइज. वी वर टेकन सच केयर ऑफ. हमें इतना अच्छे से ट्रीट किया गया, हमारी छोटी छोटी चीज़ों का इतना ख्याल रखा गया. प्रोडक्शन की पूरी टीम ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, डायरेक्शन टीम ने बहुत अच्छा रखा. इतना प्लेजेंट एक्सपीरियंस है कि आई हैव कम बैक विद लॉट्स ऑफ फॉन्ड मेमोरीज. सो आई लव शूटिंग इन भोपाल. एंड आई वॉन्ट टू मैंशन अबाउट दैट बच्ची छोटी सी. शी इज सो क्यूट एंड अडोरेबल, यू विल फॉल इन लव विद हर. एक तो शी इज सो ब्यूटिफुल, हर आईज आई कैम टेलिंग हर माई गॉड यू शुड प्ले ऐश्वर्या राय इज बचपन बिकॉज हर आईज आर जस्ट लाइक हर. एंड इतनी छोटी है पर इतनी ब्रिलियंट है, इतने अच्छे एक्सप्रेशंस, इतने अच्छे शॉट्स देती है. मुझे रुला दिया उसने कई बार शॉट्स में. और एक बहुत बहुत खूबसूरत लोरी है मेरे और उसके बीच जो शूट करते हुए मैं, लोरी है, प्यार है, उसमें रोना नहीं है लेकिन मैं इतना रोई हूँ कि मुझे हर शॉट के बाद टिश्यू मांगना पड़ा था. उसमें इतने इमोशंस आए हैं उस गाने को शूट करने के लिए, यहाँ तक कि मैं वो लोरी अपने साथ
ले गई हूँ अपने फोन पर और मैं वही लोरी सुना के मेरी बेटी को सुलाती हूँ. और मेरी बेटी अभी 3 साल की भी नहीं है लेकिन वो लोरी पूरा गाती है वर्ड टू वर्ड. अगर वो यहाँ होती तो वो गा के बताती, माता संतोषी तुझे गोद में खिलाए, कोई भी कष्ट ना तुझे सताए. वो 3 साल की बच्ची ये बोलने लगी, उसने इतनी सुनी है लोरी, इतना ब्यूटीफुल है इस शो में जो कुछ भी है, ब्यूटीफुल फील. जैसा कि आपने सुना था कि इस बीच टीवी बहुत बदल गया है, तो आपको कितना बदलाव दिखाई दिया? जैसा मैंने कहा, मैं तो मुझे तो ऐसा लगा जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू किया है. सब कुछ उतना ही अच्छा था, उतना ही ऑर्गेनाइज था. जबकि आप जब एक आउटडोर जाते हैं और एक नया शो शुरू करते हैं, ट्रस्ट मी, इतना अनऑर्गेनाइज होता है सब कुछ क्योंकि नया है. लेकिन एवरीथिंग वाज सो मच ऑन टाइम, सो ऑर्गेनाइज. हमें बोला गया था आपकी शूट इतने दिन की है, वो उतने दिन में ही खत्म हुई. ऐसा कुछ बैकलॉग नहीं बचा, ऐसा नहीं हुआ कि खत्म करने के लिए हमें दिन रात काम करना पड़ा. एवरीथिंग वाज टेकन केयर ऑफ एंड डन वेरी वेल ऑन टाइम. आई थिंक इट इज अबाउट हाउ ऑर्गेनाइज्ड वी वर. जबकि वहां पे प्रेशर बहुत था, द क्राउड वाज मोर देन 300 पीपल एंड वी आर नॉट एक्टर्स हु हैव नो कनेक्शन विद मीडिया और जूनियर आर्टिस्ट. सिर्फ माइक पे बोला जाता था आपको ये करना है, ये करना है. Obviously, जब इतने सारे 300 लोग अगर बात करेंगे, उसके अलावा 70-80 लोगों की यूनिट, तो 400 लोग जब हैं तो हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. बट इट वाज ब्रिलियंटली हैंडल्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. सर जस्ट वन मिनट, वी विल डू वन सेंटर में. अरे दिख रहा है मैडम, सेंटर. व्हाट शुड वी डू? द लाइट इज गेट ऑन योर फेस. एक्सक्यूज मी सेंटर, वन इट्स ओके. सामने देखे मैं सेंटर में देखी. ओके गाइस, थैंक यू. यस, फर्स्ट एवरीबॉडी लुक टू द लेफ्ट. तो मैं ऐसा ही कुछ ढूंढ रही थी कि जिसमें कुछ डिवाइन के साथ कनेक्शन भी रहे और ऐसा हो कि लोग अपनी लाइफ को भी उसके साथ रिलेट करें. और ये इतनी ब्यूटीफुल स्टोरी है कि बहुत खुशी हुई मुझे. आई फील रियली ब्लेस्ड दैट दिस इज व्हाट आई ऑलवेज इमेजिन्ड. सो आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. और इसकी जो शूटिंग भी हमने शुरू कर दी है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. जब भी मैं शूट करती हूँ तो मुझे ऑटोमेटिक एक कनेक्शन फील होता है. ये एक नया एक्सपीरियंस हुआ मुझे कि जैसे ही मैंने फर्स्ट शॉट दिया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एज इफ यू नो सम पावर लाइक संतोषी माँ इज रियली ब्लेसिंग मी विद एवरी शॉट. आई फील दैट इट्स नॉट मी, इट्स सम अदर डिवाइन पावर विच इज वर्किंग. सो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस. इट्स माई चॉइस एक्चुअली, बिकॉज मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि काफ़ी समय से मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी क्योंकि मैं कुछ आई वॉज अ मेम्बर ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, सो आई वॉज वेरी इन्वॉल्व विद देयर एक्टिविटीज. सो आई वॉन्टेड टू डू समथिंग कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी एंड सोशल वर्क. आई नॉट प्लान दैट आई कम बैक so early, but this subject is so beautiful that it just happened and I'm very happy. Actually, it also gives, today in today's society we need something like this kind of message that how we can achieve eternal happiness. क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं, इतनी struggle करते हैं life में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ missing रहता है. तो वो achieve करने के लिए इसमें जो बातें हैं बहुत simple थी और जो भी मैसेज है, आई थिंक इट इज़ वेरी टची एंड
that it will connect with everybody. आजकल मजहब के नाम पे इतना वो इशू चल रहा है, तो व्हाट यू फील अबाउट रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी? शो उसे टेक ऑन रिलीजन वर्सेस स्पिरिचुअलिटी. एवरी रिलीजन इज ब्यूटीफुल. एवरी रिलीजन टॉक्स अबाउट ह्यूमैनिटी एंड कनेक्टिंग टू वन पावर. देयर इज ओनली वन. तो उनमें इतने जितने भी रिलीजन्स में मैंने एक्चुअली बहुत कुछ स्टडी किया है, तो सब में जो मैसेज दिया है इक्वालिटी का, ह्यूमैनिटी, एंड दे ऑल टॉक अबाउट वन सुप्रीम पावर. लेकिन हम अपना अपना रिलेशन गॉड के साथ कैसा रखना चाहते हैं वो हम पे डिपेंड करता है. एंड गॉड ऑलवेज कम्स एज वी वॉन्ट हिम टू कम. कि अगर हम मदर की तरह उन्हें एक्सेप्ट करेंगे तो ही विल कम टू अस एज अ मदर और अ फादर और एनी अदर रिलेशन वी वॉन्ट विद हिम. दैट इज़ वॉट आई बिलीव कि हर एक रिलेशन में बहुत अच्छे मैसेजेस. So I always believed and tried to search more and more about different religions. So it's wonderful. Cool, then we will break into group interactions. In case anybody has any questions, please, now is the time, else we'll break into interactions. Yeah? All right. Interactions, and please join us for lunch as well. So, yeah. In case you guys want to finish, Sachin, you also can finish that You'll give me 5-10 minutes. I just want to finish one print. थैंक यू. तो अब संतोष जी, मेरा सारा एक्सपीरियंस इस शो के लिए जानना चाहिए. एम पी में हमने देखा, हमें सुना कि शूट किया गया, तो कैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत ही स्पेशल इसका एक्सपीरियंस है कि हम जो हमारे लाइफ में बहुत से लोग होते हैं, फैमिली है, फ्रेंड है, लेकिन अगर हम एक मेंबर और बढ़ा दें अपने लाइफ में, वो है गॉड, तो कैसी हमारी लाइफ हो जाएगी. तो उनके साथ हमारा एक ये रिलेशन है मदर का, कि अगर हम उन्हें एज अ मदर रिमेंबर करें या उनसे बातें करें, तो कैसे हम हमेशा के लिए हमारे लाइफ में खुशी आएगी, कंटेंटमेंट आएगा. तो ये मैसेज है इस शो का. बहुत ही अच्छा सोशल माइथोलॉजिकल ड्रामा है. आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. जी, गेटअप में हमने जो आपका गेटअप देखा सैनिटेशन आके गेटअप का कितना ध्यान रखना पड़ा? बिकॉज हमारे रिलीजन में अक्सर बातें की जाती हैं कि गेटअप का ध्यान रखना पड़ा, फिर वो आवाज़ उठाना चालू करती हैं, वो कितना ध्यान रखना पड़ा गेटअप का, कितना ध्यान रखना? डेफिनेटली इसके जितने भी कॉस्ट्यूम्स हैं, ऑर्नामेंट्स, वो बहुत ऑथेंटिक हैं, क्योंकि जैसा होना चाहिए गॉडेस का वैसा ही लुक है. इसको तैयार करने में थोड़ा वक्त लगा, बहुत से ट्रायल्स हुए, लेकिन फाइनली जो ये लुक बना है वो एग्जैक्टली लाइक संतोष जी. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. मैं पहली बार भोपाल गई थी, वहाँ शूट कर रहे थे एक फॉरेस्ट में, तो बहुत सुबह सुबह का टाइम था, 5 बजे, अच्छा एनवायरनमेंट था, और मैंने सुना था वहाँ बहुत सारे ऐसे अच्छे से यू नो बहुत एनिमल्स भी हैं, वाइल्ड एनिमल्स, सो वी वर हैप्पी ऑल्सो, एंड देयर वॉज अ गुड सिक्योरिटी. और हमारा शूट उसमें संतोषी माँ एक नॉर्मल कैरेक्टर में है, अवतार लेके आती है एक ग्वालन का, तो वो शूट किया छोटी संतोषी के साथ. बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. जी हाँ, अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है सेट पे, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, और जो अभी मेकिंग है वो इतनी ग्रैंड है कि मुझे
पहले जो मैंने किया था, बहुत समय पहले किया था, उसकी भी अच्छी मेमोरीज हैं, मगर आजकल इसका शूटिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए नया है, बहुत अच्छा लगता है। तो टीवी की दुनिया में कुछ जब आपने इतने टाइम के बाद कमबैक किया तो कुछ देखते कुछ बदलाव आया टीवी की दुनिया में? जी हाँ, बहुत अच्छा बदलाव है। यस, इट्स रियली ग्रैंड एंड बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है हर चीज़, इतना वेल प्रिपेयर्ड, और जो पूरी टीम है इतनी मेहनत करके बनाती है सीरियल, तो ऐसा लगता नहीं कि ये कोई बड़ी फिल्म से कम है। इतना अच्छा इसका मेकिंग है आज सीरियल का। फिल्मों से सारी दुनिया जानती है कि लगान जैसी बड़ी फिल्में आप देखी है, तो कोई इरादा इन फ्यूचर में हम देखेंगे इस तरह से बड़े आर्टिस्ट के साथ में कोई बड़ी फिल्म? यस यस, डेफिनेटली ऑफ कोर्स, बिकॉज ये हमेशा से मुझे एक्टिंग और डांसिंग में काफ़ी यू नो मेरा लगाव है इन चीज़ों से, और बहुत सी और कलाओं से भी, पेंटिंग, सिंगिंग एंड, तो ये डेफिनेटली आई विल कंटिन्यू। जाते जाते व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे संतोषी माँ की तरफ? हाँ, जैसे आजकल हम अपनी ज़िंदगी में कितनी मेहनत करके कुछ अचीव करते हैं, लेकिन टेम्प्रेरी हमारी खुशी होती है, फिर हमें लगता है अभी और क्या करें, अगर कुछ भी ज़रा सी प्रॉब्लम होती है तो हम अपसेट हो जाते हैं। तो इसमें जो मैसेज है वो यही है कि हम कैसे इटर्नली हम अचीव कर सकते हैं अपनी खुशी और कंटेंटमेंट, संतुष्टि हमारी लाइफ में कैसे आ सकती है, तो ये मैसेज है। और जो आजकल की सोसाइटी में इसको लोग बहुत पसंद करेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सो कांग्रेचुलेशन आप लोगों को संतोष शर्मा मां के लिए, गेस्ट अपीयरेंस है आप जी, करेक्ट? तो कैसा रहा एक्सपीरियंस ये संतोष शर्मा? ये स्पेशल अपीयरेंस है, एक्सपीरियंस भी स्पेशल रहा, ये शो भी स्पेशल है, सब कुछ बहुत स्पेशल रहा है। जिस तरह से ये शो हमें ऑफ़र हुआ, जिस वक्त ऑफ़र हुआ नवरात्रों में, जिस तरह उन्हीं 9 दिनों के अंदर पूरा प्रोसेस भी हो गया, साइन भी हो गया, हमने शूटिंग स्टार्ट कर दी उसके इमीडिएटली बाद, मतलब एवरीथिंग हैपन इन सच अ वे कि ऐसा लगा कि ये नवरात्रे में माँ ने हमें उपहार दिया है। जैसे कि वाकई में जब ये उपहार आया, तो जैसे कि आपने कहा कि गेस्ट अपीयरेंस है, और हम गेस्ट को हिंदी में अतिथि कहते हैं, और साथ में ये भी कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। वाकई में एन टीवी एंड रश्मि शर्मा प्रोडक्शंस, हायर डायरेक्टर पवन, हर चीज़ का ध्यान रखा गया। वाकई में वो लग्जरी और वो मतलब सर्विसेज और सब चीज़ें प्रोवाइड की गई। बेसिकली द ट्रीटमेंट वाज वेरी वेरी नाइस, दे ट्रीटेड अस विद सो मच रिस्पेक्ट, एंड इवन आई रियली वांट टू मेंशन एन टीवी एंड द टीम, दे हैव बीन सो स्वीट टू अस। मतलब मुझे ऐसा, मुझे इतना टच्ड फील हो रहा है दैट आई एम कमिंग बैक विद सच ओपन आर्म्स एंड एवरीबॉडी इज वेलकमिंग मी सो वेल, सो थैंक यू एवरीवन। हमारे आप लोगों के कैरेक्टर के बारे में, कैरेक्टर के बारे में क्या कुछ आप लोग करने वाले? कैरेक्टर के बारे में हम ज़्यादा जो भी बता सकते हैं वो ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते, बस इतना कह सकते हैं कि माता के भक्त हैं, और मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग भक्त हैं, और कैसे माता हमें हर चीज़ से सिचुएशन में हमें हेल्प करती है, और अगर हम कुछ नहीं कर पाते तो फिर माता उस सिचुएशन को कैसे आगे लेकर जाके चीज़ें ठीक करती हैं। आप भी माता के भक्त हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम माता के भक्त हैं दोनों ही इसमें, और जो प्रोटैगनिस्ट हैं शो की रतन, उनके कैरेक्टर के लिए उनके मन में माँ की भक्ति को का बीज बोने वाले हम ही हैं, और खुद भक्ति में किस हद तक जा सकते हैं ये आपको देखना पड़ेगा तो समझ में आएगा। और शो में हमें देखा प्रोमो में रतन राजपूत हैं और ग्रेसी सिंह हैं, तो अगर कुछ शूट हुआ उनके साथ में? अगर नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमें दोनों ही के साथ शूट करने का मौका नहीं मिला है, तो आज हमने देखा यहाँ ग्रेसी को इस जो अवतार में देखा, वो लुक कैसा था? आई थिंक शी इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल, मतलब वो स्क्रीन पे तो अच्छी लगी नहीं है, इवन पर्सनली इतनी उनके अंदर इतनी सेरेनिटी है, इतनी इतना मीठा बोलती हैं, इतना खूबसूरत दिख रही हैं वो, और उनका एक ग्लो है फेस पे, मतलब आई जस्ट फेल दैट शी इज़ जस्ट द परफेक्ट कास्ट फॉर दिस कैरेक्टर, एंड आई एम श्योर शी इज़ गोइंग टू डू अ वेरी गुड जॉब।
एमपी में हमने देखा ये जो सारा शूट एमपी में, कैसा रहा शूटिंग का एक्सपीरियंस जो कुछ भी अब तक एमपी में स्पेशली? हाँ, मेरे लिए तो घर था, मतलब बचपन की इतनी सारी यादें हैं और शाहीन वहीं शूट किया है मैंने पूरा शो, तो मेरे लिए वो यादें भी थी और वहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा था, फिर वहाँ का खाना बहुत अच्छा है, तो मतलब एक के बाद एक हर चीज़ इतनी अच्छी थी वहाँ पे। इट वाज लाइक 4 days वेकेशन, वर्क कम वेकेशन फॉर अस। हमने काम भी किया और हमने शाम में बहुत इंजॉय भी किया। फ्रैंकली, अब फ्रैंकली मतलब जो इन्होंने किया वही मैंने किया बिकॉज हम साथ में ही थे 24 घंटे। मैं बस यही थैंक क्यू कहना चाहूँगा NTV का और रश्मि शर्मा प्रोडक्शंस का कि उन्होंने कोई मतलब हमें एक मौका नहीं दिया कंप्लेन करने का या कोई ऐसी बात ही नहीं हुई, हर चीज़ का ध्यान रखा गया। और भोपाल क्योंकि बहुत ही फेमस है खाने के लिए, हमने बहुत कोशिश की वहाँ पे मतलब छोटी छोटी जगहों पर जाके खाने की, इतना इतना ध्यान दिया है हमारे, आई थिंक इतना हॉस्पिटैलिटी की हद पार हो गई है कि कुछ चीज़ें जहाँ हम जा नहीं सकते थे खाने के लिए, तो हमारे पहचान वाले लोगों ने हमारे होटल तक पार्सल करवाई है कि आप प्लीज़ ये भी खाइए और आप ये भी खाइए और ये लोकल डेलिकेसी है तो ये भी खाइए। सो पीपल हैव बीन वेरी स्वीट टू अस। सबसे ज्यादा होगी वो है कि रियल लाइफ में भी हमारी एक बच्ची है और शो में भी हमारी एक बच्ची है, और बच्ची के लिए एज पेरेंट्स आप कितना फील करते हैं वो शो में भी देखने को मिलता है और ऑब्वियसली रियल लाइफ में तो कहने की बात ही नहीं है। सो जो एक कड़ी है जो आपको असल ज़िंदगी में भी बांधती है, वही कड़ी शो में भी है जो हमें बांधती है। मतलब मुझे तो शूट करते हुए कई बार बिना कारण रोना आ जाता था क्योंकि मैं इतना ज़्यादा फील करने लग जाती थी उस बच्ची के लिए। शूट पे हम लोग उसके लिए प्रोटेक्टिव भी हो गए थे, अगर उसे कुछ मतलब वो शूट के दौरान अपनी माँ के पास कम और हमारे पास ज़्यादा बैठती थी, हम उसके साथ खेलते थे, उससे बातें करते थे, मतलब उसका ध्यान रखने में अपने आप ऑटोमेटिकली वो हो जाता था क्योंकि आप जब रियल लाइफ में पेरेंट्स बनते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरे बच्चों के लिए फीलिंग आ जाती है, और क्योंकि वो हमारी बच्ची प्ले कर रही थी तो हम सच में उसके पेरेंट्स की तरह बिहेव करने लगे थे। बहुत मिस किया, बहुत मिस किया। स्पेशली मैं कहूँगा कि मुझे तो थोड़ी बहुत आदत है घर से बाहर रहने की शूट्स के वजह से, लेकिन सबसे ज़्यादा तो मिस मैं कहूँगा कि इन्होंने किया बिकॉज़ ये इन्होंने ऑलमोस्ट आई वुड से 3.5 साल बाद जब से वो पैदा हुई हैं इन्होंने, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि घर के बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन मतलब काम से रिलेटेड कुछ इतना वक्त उसको छोड़ के नहीं गई, कभी भी नहीं गई। और इस बात की खुशी भी है कि ये एक डोटिंग मदर है, बट मिस करने की बात है तो बहुत ज़्यादा मिस कर। चलिए जाते आते व्यूअर्स को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप कुछ संतोषी माँ की तरह? व्यूअर्स को पहले मैसेज इनको देने देती हूँ वरना बोलेंगे कि सब कुछ मैंने बोल दिया, मुझे कुछ बोलने नहीं दिया। मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि संतोषी माँ एक ऐसा शो है NTV पे जो आप ज़रूर देखें। हमारे आसपास हमारे ज़िंदगी में निजी ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, प्रेशर्स होते हैं, स्ट्रेस होता है, लेकिन हर इंसान में खुद में उसमें एक विश्वास होता है, उसकी खुद की शक्ति होती है कि अगर वो कोशिश करे तो उन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकल सकता है। संतोषी माँ एक ऐसा शो है जो आपको सही रास्ता देता है कि आप अपने प्रॉब्लम्स में अगर कभी फंस जाएं तो किस तरह से बाहर निकलेंगे, और वाकई में ऊपर वाला जब आपकी मदद करता है तो कैसे करता है, तो ज़रूर देखें। नहीं, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि आप ज़रूर देखें संतोषी माँ 30 नवंबर रात 9 बजे NTV पर, और शुरुआत बिल्कुल मिस ना करें बिकॉज हमारा स्पेशल अपीयरेंस है, और वो लोग जो मुझे देखना चाहते हैं दोबारा TV पे और हमें एज अ जोड़ी साथ देखना चाहते हैं, आप फर्स्ट एपिसोड बिल्कुल मिस ना करें। और जब आप फर्स्ट एपिसोड देखेंगे तो आगे के एपिसोड आप 100% देखेंगे, ये मैं आपको कह सकती हूँ, क्योंकि शूट करते हुए हमें इतना अच्छा लगा और इतना अच्छा फील गुड शो है ये कि जब आप देखेंगे तो आप आगे उसे देखना ज़रूर चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।